मंच पे उपस्थित हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट संदीप कंवर जी से आप सबको परिचित हैं, दो बार के काउंसिलर रह चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो भी सम्मानित मंच पर हैं, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों माताओं बच्चों, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, सब इन लोगों को दिखाए ना, इन लोगों को भी दिखे यहाँ से, ठीक है। आप सबों को बहुत ही अहम बात करने के लिए हम आए हैं, बहुत सम्मान दिया है, मान दिया है आप लोगों ने, लेकिन आज आप लोगों को बहुत अहम फैसला करना होगा आने वाली 8 तारीख को। जैसे कि भाई संदीप ने बताया कि हाथ का पंजा पे आपको बटन दबाना है और ये फैसला करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने, भाजपा पिछले 13 साल से यहाँ पर एमसीडी में है और एमसीडी में किस तरह से उनका काम चल रहा है आप सबने देखा है, देखा है कि नहीं देखा है? कचरे की सफाई है, स्वच्छ भारत अभियान जो इन्होंने चलाया वो सब है, अच्छे दिन आए हैं, 15 लाख मिले हैं। तो इन लोगों ने जितनी भी बात, आज का दिन ऐसा दिन है जब बजट का सेशन होता है और निर्मला सीतारमन जी ने आज 2.5 घंटे का सबको अभिभाषण दिया, और बजट का सेशन ऐसा होता है कि उस साल में जितना पैसा खर्चा होना होता है या उस साल में जितना पैसे की लागत होनी होती है, जितना नुकसान होता है, उसकी भरपाई कहां से करेंगे, वो कहां से उसका भुगतान होगा, ये सारी बातें बताने के बजाय वो अगले 5 साल की और 6 साल की बातें कर रहे हैं। और संविधान के जितने भी पद हैं, सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति जी का पद, और राष्ट्रपति जी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हक में बात करते हैं, क्योंकि उनको जो भाषण दिया जाता है कैबिनेट की तरफ से वही वो पढ़ के सुनाते हैं। जो सीएए और एनआरसी के मामले में जो हो रहा है, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि सीएए कोई नई बात नहीं है, नागरिकता देने की बात कोई नई बात नहीं है, ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन बीजेपी जो हमेशा भाषण देती है कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं को हम नागरिकता देना चाहते हैं, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अदनान स्वामी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे जब इन्होंने नागरिकता दी थी। स्वदेशी 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 की बात करते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन स्वदेशी की बात अब वो करना छोड़ दी है। जो मोदी जी जब कांग्रेस सरकार में एफडीआई की बात करती थी तो एफडीआई की बात इन्होंने करना छोड़ दिया, अब वो विदेश से सबको बुला रहे हैं, न्योता दे रहे हैं, लेकिन विदेश से एक ही प्रोडक्ट आया है सैमसंग का, वो भी विदेशी कमा के चला जाएगा, लेकिन हिंदुस्तानियों के युवाओं के लिए, उनके पास नौकरी के लिए, उनके पास रोटी देने के लिए, उनके पास खाना देने के लिए कोई तरकीब नहीं है। कोई ये कहते हैं कि इनकम टैक्स ये कम कर देंगे, लेकिन एक जगह से कम करके दूसरे जगह को ये बढ़ा देते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी जो कितने मसले दिल्ली में दिखाई देते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में छात्राओं को मारा जा रहा है, घुस घुस के जो मुंह पे उन्होंने नकाबपोश आए थे, आज 1 महीना हो गया उस बात पे, किसी को भी पकड़ा गया? दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो बीजेपी के अधीन आती है, लेकिन क्या वो कुछ कर पाए हैं इसके बारे में? क्या उन लोगों को पकड़ा गया है जो घुसे थे यूनिवर्सिटी में? जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग करते हैं, जेएनयू की बात करते हैं, तो आज 3 साल हो गए उस बात को, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े गैंग जिन्होंने नारा लगाया था, ये तो ये पकड़ नहीं पाए, क्योंकि इनकी बात सब फर्जी है। इन्होंने ज्ञापन जारी किया, ये जो ज्ञापन इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, ऐसा ही इन्होंने गुजरात में भी किया, ऐसा ही इन्होंने बिहार में भी किया, हर जगह किया, लेकिन इन्होंने पूर्ति क्या की? कोई भी बात पे ये कायम रहे? कोई भी बात इन्होंने पूरी तरह से अपना फर्ज निभाया? नहीं। तो ये लोग सब झूठे वायदे आपसे करेंगे। पिछले 13 साल से एमसीडी में है, एमसीडी में इन्होंने कचरे की क्या सफाई, बहुत सारे अभियान इन्होंने अनाउंस किए और सब टैक्स पेयर्स के पैसे के ऊपर
नहीं पाया है। आपका पैसा सिर्फ अभियानों में और इनकी पर्सनल पब्लिसिटी में जा रहा है, और जो आप पार्टी है वो अपने आप को बोल रही थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, ऐसी है वैसी है, एक भी भ्रष्टाचार क्या साबित कर पाए? ये पूरी दिल्ली में जो आप दिल्ली को जगमगाता हुआ पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, जो ग्लोबल तौर पे एक मेट्रो सिटी दिल्ली बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ शीला जी ने बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। आप जब से आई है आपने कोई काम नहीं यहाँ पर किया है, और सीएए और एनआरसी की बात ले लो तो इन्होंने एक हवा बना के रखा है। 85% को ये ही रिप्रेजेंट करते हैं जो मेरे हिंदू भाई बहन हैं, और उनको उन्होंने पता नहीं क्यों 15% से डरा के रखा हुआ है। जब सारा प्रशासन इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में है, तो भाई मेरे हिंदू भाई बहन को डर किस बात का है जब डर नहीं है? लेकिन ये सब डायवर्शनरी टैक्टिक है, क्योंकि इनके पास ये सिर्फ कहते हैं कि पेड़ भरने का कोई तरीका इनके पास नहीं है, इनके पास इसका कोई इलाज नहीं है, इनके पास नौकरियां नहीं है, इनके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन ये है कि हिंदू होने का गर्व करो। बस इस बात की खुशी मनाओ कि आप हिंदू हो, और इस बात का गर्व करो, चाहे आपका पेड़ भरे ना भरे, चाहे आपके पास नौकरी हो ना हो, चाहे आपके पास कोई साधन हो ना हो, लेकिन ये हर काम उल्टा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो विदेश मंत्री को ही इस बात की खबर नहीं होती, और जब रफाल का डील करते हैं तभी भी डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे रक्षा मंत्री होती है उनको उसके बारे में पता नहीं होता। तो ये सारी उल्टे सीधे रिवाज जो चल रहे हैं हमारे देश में आज, ये आप देख रहे हैं। इनका ही मुख्यमंत्री कहता है कि आदमी रजाई ओढ़ के सोए हैं और उनकी महिलाएं बाहर रस्ते पर खड़ी हैं। मैं क्योंकि महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूं, इसीलिए महिलाओं के लिए यह भी कहूंगी, मैं कश्मीर की भी इंचार्ज हूं। इनका कठुआ में जो हुआ रेप वो छोटी बच्ची के साथ, उसके साथ भी क्या हुआ, उनके ही लोग पीछे खड़े थे। इसके बाद जो सेंगार ने किया, कुलदीप सिंह सेंगार कौन था, उन्हीं का एमएलए था। चिन्मयानंदा ने क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब, इनकी स्मृति ईरानी जो वुमेन और चाइल्ड मिनिस्टर है, जब बोलना होता है, जब औरतों पे, महिलाओं पे, बहनों पर बहुत तरीके से बलात्कार होती है, उनको जलाया जाता है, उनको बुरी तरीके से उनसे व्यवहार किया जाता है, जब इनके पास निर्भया की मां मांग रही है इंसाफ, आप पार्टी से भी बीजेपी पार्टी से भी कोई दे पा रहा है हमने इंसाफ, क्यों किसी बात की भी जवाबदारी वो नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पा सकते हैं? क्योंकि उनके पास दम नहीं है, वो 56 इंच की छाती बिल्कुल बेकार है। मैं आपसे ये कह रही हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, आगे आने वाली 8 तारीख को भारी से भारी बहुमतों से भाई संदीप तंवर को जिताइएगा, और अपना मुस्तकबिल आगे बढ़ाइएगा, अपने बच्चों का, और हाथ के पंजे पर 5 नंबर पर बटन दबाइएगा, क्योंकि ये हाथ ही है जो आपका साथ देगा, और ये हाथ ही है जो दिल्ली को भी आगे बढ़ा ले जाएगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ ये सारे लोगों ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, संदीप तंवर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, आप लोगों से मिलने का ये मौका दिया है। लेकिन भाई बहन अभी भी मुझे आगे जाना है एक और कार्यक्रम में, लेकिन मैं आप सबसे यही इल्तिजा करूंगी कि आपके रोटी का, आपके मकान का, आपकी बहुत सारी चीजों का, आपकी सुविधाओं का अगर आपको ख्याल रखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी पे भरोसा कर सकते हैं। ये सीएए और एनआरसी को भी लाके इन्होंने जो वाद विवाद दो कम्युनिटीज में खड़ा कर दिया है, ये भी बहुत बुरा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए करना चाहते हैं। आप सब बहुत समझदार हैं, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि आप अपने आप को ताकतवर कीजिए और भाई संदीप तंवर को जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।
संदीप तोमर, भाई संदीप तोमर, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बटन दबाएगा, भाई संदीप